वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो भाई लोग, आज मैं आपको एक ऐसे जिम में लेके जा रहा हूं जो जिम वर्ल्ड का जो चौथा रिच आदमी है, उसका नाम क्या ऋषि भाई? रिचर्ड ब्रांसन। यस, उनके नाम से कई जो है फ्लाइट्स वगैरह उनकी, क्या नाम है उनका फ्लाइट्स वगैरह? वर्जिन, हाँ, उसके नाम से कई फ्लाइट्स भी हैं, उसके बहुत सारे बिजनेस हैं। इवन मैं कहूंगा जिसको विजय माल्या कॉपी करता था, सेम कॉपी करता था, अभी भी करता है, तो वो बंदा है। उसके जिम में मैं लेके जा रहा हूँ, बहुत अल्टीमेट जिम है। मैं कल भी गया था बट कल मैं वीडियो बना नहीं पाया बिकॉज कल हम बहुत टाइड हो गए थे। तो जल्दी जल्दी में हम जो है वापस आ गए। अभी चार दिन का हमने वहां पर मेंबरशिप लिया है। आप सोच नहीं पाओगे कितनी वहां पर जो है मेंबरशिप की कॉस्ट है। जो इंडिया की साल की होती है ना, उतना यहां पर चार दिन का है। इतना हमने पैसा वापस दिया है सिर्फ चार दिन के लिए, मतलब मेरे को वर्कआउट करना। तो आज मैं आपको वर्कआउट बताने वाला हूं जो तुम्हारे भाई का सबसे बेस्ट पार्ट है, लेग। लेग का वर्कआउट मैं आपको दिखाने वाला हूं आज, किस तरीके से लेग का वर्कआउट करेंगे। और आज मैं गारंटी के साथ बोलने वाला हूं कि ऋषि भाई को बहुत अच्छी नींद आएगी। ऋषि भाई को आज बतख बनाना है तुम्हारे भाई ने। ऋषि भाई, मैं चाहता हूं, मुझे बोले भाई गाड़ी आप चलाओ यार, मुझसे नहीं चल पाएगी आज। बट आज हमने पैदल जाना है, वॉकिंग डिस्टेंस है यहां से, क्योंकि ये जिस एरिया में मैं रहता हूं, ये एरिया यहाँ का बैंकॉक का सबसे बहुत रिच एरिया है, जहां पे मतलब हाई फाई लोग रहते हैं। तो वहां पर मैं स्टे किया हूं, तो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस है। तो चलो मिलते हैं। बारिश काफी तेज हो रहा है, हम सोचे थे हम वॉकिंग डिस्टेंस पैदल निकलेंगे बट पॉसिबल नहीं हो पाए। इसी भाई की कार देखो, ये थाई हल्के भाई, ये इंडियन हल्के ये असली हल्के भाई, ये मेरा भाई, क्या कैसे मिला ये मेरे को, इतने साल हो गए भाई। भाई तू कहाँ खो गया था यार, भाई तेरे को कब से ढूंढ रहा था मैं। मेरा भाई हल्क मिल गया मुझे आज। यहाँ पे सारे हैं भाई, देखो वहाँ कैप्टन अमेरिका, उधर कैप्टन अमेरिका खड़ा है, उधर थॉर खड़ा है। ये है वो जिम वर्जिन एक्टिव। इसके नाम से कई फ्लाइट्स हैं, कई इसके बहुत सारे बिजनेस हैं। ये हेलो, थैंक यू। चलो जिम के अंदर चलेंगे अभी। यहाँ पे बड़ा सिक्योरिटी है, पहले कार्ड दो, कार्ड देने के बाद ये बैंड देंगे। इस बैंड से जो है आपका लॉकर खुलेगा, आपको टॉवल मिलेगा, एंड ये बैंड है, इससे आपका जो है लॉकर खुलेगा। यहाँ पे स्विमिंग पूल है, यहाँ पर आगे जाओगे ये स्विमिंग पूल है, देखो पीछे स्विमिंग पूल में आप जो है रेस्ट कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो। ये पूरा लॉकर्स एरिया है। कैमरा अब हो गया, अब हुआ बंद। ओके, ऐसे ही बंद हो जाएगा। देखो टेक्नो जिम की सारी मशीनें इन्होंने यूज़ की यहाँ पर, देख सकते हो, और बहुत ही हाई क्वालिटी की जो है इनके पास इक्विपमेंट है सारे। ये पूरा सेशन जो है ट्रेडमिल का है। यहाँ पर क्रॉस ट्रेनर है, और इसके अलावा आगे क्रॉस ट्रेनर है, यहाँ पर ट्रेडमिल है, यहाँ पर क्रॉस ट्रेनर है, यहाँ पर ट्रेडमिल है। एक सेक्शन पूरा जो है इनका खाली ट्रेडमिल और क्रॉस ट्रेनर का है, कार्डियो का है। ये थोड़ा सा सेशन जो है इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर उसका दिया हुआ है, वर्कआउट का, स्ट्रेंथ के लिए। बाकी उस साइड भी मशीनें हैं, इस साइड भी मशीनें हैं। जिम का नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो। ऊपर इक्विपमेंट है, ये सारे इक्विपमेंट सेक्शन है। स्क्वाट मैं मोस्टली क्या होता है, जब फ्रंट के लिए कर रहे हो तो आपका तीन ही होता है, आउटर इनर और मिडिल वाला। बेसिकली आउटर और इनर को फोकस करना होता है। इनर के लिए सुमो स्क्वाट है, ठीक है, और आउटर जो होता है उसके लिए एक्सटेंशन का, वो तो खैर पूरा उसमें आएगा, बट जो स्क्वाट है बेटर की स्क्वाट है। अगर आपने इतने मूवमेंट इस मूवमेंट में अगर आप कर रहे हो तो आपके पूरे क्वाट मसल में आ रहा है। और ये स्क्वाट एक ऐसी चीज़ है, बॉडी का कंप्लीट वर्कआउट है, मैं बोलूँगा कंप्लीट वर्कआउट।
भाई जिसके ऐप्स नहीं निकलते ना, स्क्वाड मारना स्टार्ट करो, आपके ऐप्स भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि नेचुरल कार्डियो हो जाता है इसमें, जरूरत नहीं मारती। तो आपके ऐप्स भी क्लियर होंगे, आपका हैमस्ट्रिंग, क्वाड मसल एंड आपका लोअर बैक इसमें जो है इन्वॉल्व होता है, तो पूरी बॉडी लगभग आपकी पूरी इन्वॉल्व हो चुकी है इसमें। और कार्डियो सब तो मूवमेंट देखना, पूरा डीप तक जाना है, और कई लोग आधे जाते हैं, आधे से ऊपर हो जाते हैं, नहीं, जब तक आप पूरा डीप नहीं जाओगे, पूरा डीप में, उसके बाद ग्लूट्स को टाइट करना। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ लेग आपके बनेंगे, आप सही तरीके से लगो, पूरा नीचे जाओ, उसके बाद जो ऊपर आते हो तो क्वाड मसल को खींचो, ग्लूट्स को खींचो, देखो मुझे कैसे करो। ऋषि भाई बोल रहे हैं कि उसका जरूरत था, इनको स्क्वाट मरवाया, भी इनकी हालत खराब हो गई। मैं इनको भी वही बात बोल रहा हूँ जो मैं आपको बोलता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पर आपका फेल हो जाओ, आई मीन 12 रेपिटेशन करें आपने, 12 रेपिटेशन के बाद बॉडी बोले बस हो गया, वहाँ से बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट होती है, टिल फेलियर, कम से कम वहाँ से 5 और लगाने, फिर उसके बाद 2 और लगाने, ये बॉडी बिल्डिंग है। कई जरूरत था, आपने आया, आप आए, ये पुश मिला, 3 मिनट मेंटल ब्लॉकेज हो रखा था, ये कंपाउंड मूवमेंट है, और 3 मिनट से पहले आपकी हार्ट बीट रुकने नीचे, मेरा सांस देखो कैसे चढ़ रहा है, ये कार्डियो हो रहा है साथ में, इससे आपका बॉडी से फट जाएगा जाएगा पक्का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये लाइट वेट हो गया बिल्कुल, 14, 15, चलो चलो चलो, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है, रुकना नहीं है, यहाँ से स्टार्ट है, चलो यहाँ से स्टार्ट है, चलो चलो चलो, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, चलो कमान कमान, रेस्ट नहीं लेना, यहाँ से स्टार्ट है, यस, चलो 10 रिपीटेशन और आएंगे इसमें, चलो चलो आराम से, इजी, 1, 2, 3, 4, फील लेके मारो, फील फील, कमान, 3 मोर, 8, 9, यस, यहाँ से स्टार्ट, ये है, 10 मारे हैं ना, ये आपके लेग को, ये आपके लेग को बनाएंगे, या तीन का सेक्शन है, ओनली एब्स के ट्रेन करने के लिए, ये हाइपर एक्सटेंशन है, ये आपको अगर आपको लोअर बैक में प्रॉब्लम है तो आप इसको करो, इस हाइपर एक्सटेंशन को अगर आप करना स्टार्ट कर दिए वीक में 4 बार भी, तो आपकी बैक में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी नहीं, और साइड में जिसका बेनिफिट होता है उसको ऑब्लिक की ट्रेन करना चाहिए, इसमें बहुत ज़बरदस्त है ये,
पूरा सेक्शन आपका जो है कार्ड उसका ही है, एप्स का ट्रेड का। ये एक्सटेंशन कर ले, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपको सारा मूवमेंट दिखाएगा, आपको पूरा गलती भी बताएगा। 350 किलो ये दिखा रहा है टोटल, वन सेट हुआ है, टू सेट ओके है, थ्री सेट ओके है, ये दिखा देगा। स्माइली मेरा नंबर उसका, मतलब आप सही कर रहे हो, अगर ये नहीं करोगे सही तो ये दिखा देगा आपको, आपको सही दिखा देगा। तो आज का वर्कआउट हुआ खत्म, लेग पूरे देख रहे हो, पूरे पंप हो चुके हैं, डोला मसाला पहले से तगड़ा है। ऋषि भाई की हालत खराब है आज, बहुत खराब है। हाँ, ये ढेर हो गए, दो तीन एक्सरसाइज में ढेर हो गए। तो वीडियो कैसी लगी आपको? देखो मेरी जो भी वीडियो होती है, नॉलेजेबल वीडियो होती है, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा उसमें। आगे मैं वीडियो लाता रहूँगा, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक ब्लॉग वगैरह बनाता रहूँगा। तो आप वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, इस पर कमेंट करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। इसमें एक लाइक बटन है, बेल आइकन उसको सेट कर दिए, सो दैट जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो होगी आप तक पहुंच जाएगी। चलिए, थैंक यू।